मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बना कर दिखाऊंगी डोरमैट, वो भी कैरी बैगों से। अगर आपके पास कैरी बैग नहीं है तो आप इस तरीके से तीन कपड़ों से भी बना सकती हैं। जो भी घर पे आपके बेस्ट पड़े हुए कपड़े हों उससे बना सकती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से ये बनेगा। तो चलिए उसके लिए हम पहले इस कैरी बैग के डिब्बे कट करेंगे। एक बार मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। इसकी लंबाई यानी 3 इंची लेंगे सिर्फ, मगर मैंने ये 3 इंची कुछ थोड़ी सी ज़्यादा ली है क्योंकि ये सिलाई में चली जाएगी। तो फिक्स हमें डिब्बे 3 इंची के रखने हैं। देखो थोड़ी सी एक दो यानी ये लाइनें मैंने ज़्यादा रखी हैं क्योंकि फिक्स डिब्बे हमें 3 इंची के लेने हैं। तो छोटा सा बड़ा हम कट करेंगे 3 इंची से, ताकि हमारे डिब्बे आसानी से 3 इंची के हो जाएंगे सिलाई करके। और सभी डिब्बों को एक ही नाप के हमें कट करने हैं, यानी जो निशान लगे हुए हैं ये वाले, तो इसकी एक किनारी ज्यादा है बस। देखो 3-3 इंची के रखने हैं हमें, देखो थोड़ी सी ज्यादा है तो ये हमें सिलने के लिए छोड़ दी है मैंने। तो इसी नाप के हम बाकी डिब्बों को भी कट कर लेते हैं। देखो तो देखिए मैंने सभी डिब्बों को कट कर लिया है, 3 कलर के डिब्बों को, और जितने मुझे चाहिए उतने मैंने कट कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, तो देखिए अब क्या करेंगे, इस तरीके से 2 डिब्बे रखेंगे और ऐसे दोनों को इस तरीके से मोड़ेंगे। लाल कलर के डिब्बे के साथ भी मैं व्हाइट कलर लगाऊंगी और काले कलर के डिब्बे के साथ भी व्हाइट कलर लगाऊंगी। अब मैंने ये मोड़ लिया है, तो अब क्या करेंगे, अब इसके बीच में हम सिलाई करेंगे। इस तरीके से कोई भी सुई धागा ले लो, अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से भी सिल सकती हैं, मगर मैं आपको सुई धागे से सिल के दिखा रही हूँ एक डिब्बा, फिर मैं भी मशीन से सिलूंगी। देखिए इस तरीके से बीच में मैंने ये सिलाई कर ली है। अब यहीं पे धागे में नॉट लगा देते हैं। अब इस डिब्बे को हम इस तरीके से ऐसे बनाएंगे, व्हाइट कलर एक तरफ और ब्लैक कलर एक तरफ। तो पहले सभी डिब्बों को हम ऐसे ही सिल लेते हैं व्हाइट कलर के डिब्बे के साथ। तो देखिए मैंने सभी डिब्बों को एक साथ एक दूसरे के साथ अटैच कर लिया है। देखो एक मैंने आपको इस तरीके से, देखो मैं एक और डिब्बा दिखा रही हूँ, ऐसे सीधी सिलाई करके डिब्बे दिखाए थे जो मैंने दूसरे डोरमैट के लिए तैयार किए हैं। और ये वाले मैंने जो मैं बना के आपको दिखा रही हूँ अब, उसके लिए तैयार किए हैं। सिर्फ इसमें फर्क इतना है कि ये सीधी सिलाई के नहीं है, ये कोने से कोने की सिलाई के हैं और वो सीधी सिलाई के थे। मैं 2 डिजाइन का डोरमैट आपको दिखाऊंगी, वो 2 वीडियो में दिखाऊंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको तिकोने वाले डोरमैट को बना रही हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास ये शॉल का कपड़ा है जो पुरानी शॉल हो गई है, उसे मैंने कट कर दिया है। अगर आपके पास सादा पैंट का कपड़ा हो या टावल का हो या बेडशीट का कपड़ा हो, आप किसी पर भी इस डोरमैट को बना सकती हैं, मगर थोड़ा मजबूत ही कपड़ा लेंगे। दुपट्टे का या साड़ी का कपड़ा पे नहीं सिलेंगे क्योंकि वो पतला कपड़ा होता है। तो अब मैं आपको देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ कि मैंने कितना बड़ा डोरमैट आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता रही हूँ, 18 इंची लंबाई है इसकी और इसकी चौड़ाई है 13.5 इंची। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहती हैं तो बड़ा कपड़ा कट कर लें, उसके बाद में ही अपना डोरमैट बनाएं। अगर इससे छोटा बनाना चाहती हैं तो छोटा कपड़ा कट कर लें। तो अब मैं आपको इस पे डोरमैट बना के दिखाऊंगी। तो देखिए अब मैं आपको डिजाइन बना के दिखाऊंगी। इस तरीके से अपने डिब्बे को खोलेंगे। देखिए मैंने एक डिब्बा खोला है,
पहले इसमें हम आरपिन लगा देंगे, उसके बाद में सिलाई करेंगे ताकि हमारा डिब्बा टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो। ये देखिए मैंने आरपिन लगा दी है, तो पहले हम इस तरीके से डिब्बे लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने एक लाइन ऐसे लगा ली है, अब मैं आपको दूसरी लाइन बना करके दिखा रही हूँ कि इस तरीके से हमें बनानी है। ये जैसे मैं आपको आरपिन लगा के दिखा रही हूँ वैसे ही इसकी सिलाई करनी है। देखिए देखिए जैसे कि ये वाली डिजाइन बन गई है दो डिब्बे लगाकर, ऐसे ही पूरे पे डिजाइन आएगी और इसी तरीके से सिर्फ हमें सिलना है। ये वाली लेरिया बनाएंगे, ऐसे ही ये पूरा डोर मैट हमें सिलना है। तो पहले मैं आपको इन डिब्बों को सिल के दिखा रही हूँ। तो देखिए मैंने ये दोनों पट्टियाँ डबल सिल ली हैं, मैंने डबल सिलाई करी है इस पर। तो अब क्या करेंगे, अब ऐसे ही हम दूसरी पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से लगाएंगे, तो अब देखिए हम दूसरी पट्टी इस तरीके से बनाएंगे। देखो ऐसे लगाएंगे जैसे कि इसकी तरह इसमें भी लेरिया आ जाएगी अपनी डिजाइन, जैसे हमने ये बनाई है वैसे ही ये आ जाएगी। देखिए जैसे हमने बनाई है वैसे ही आएगी। देखो तो अब इस डोरमैट को हम पूरा सिल के दिखाऊंगी मैं आपको। देखिए इसी तरीके से सिलना है जैसे हमने ये वाली पट्टियां सिली हैं, यानी ये वाले डिब्बे सिले हैं, वैसे ही सिलना है। तो पूरे डोरमेट को मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये किनारियों से यानी ये पूरी पट्टियाँ सिल ली हैं, अब मैं किनारियों से सेट करूँगी इसे, थोड़ा थोड़ा सा कट करेंगे। ज़्यादा कट नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही करेंगे बस। किनारी रखेंगे तो उसके लिए हम कपड़ा कट कर लेते हैं। तो देखिए अब मैंने ये 3-3 इंच की पट्टियां कट की हैं, तो अब इसकी हम किनारी सेट करेंगे। तो किनारी हम उल्टी तरफ से रखेंगे इधर की साइड से, तो ऐसे पहले हम ऐसे पट्टी को रखेंगे। मैं आपको आरपिन की सिलाई करके बताती हूँ। ये मैंने आरपिन की सिलाई की है, ऐसे ही सिलना है जैसे कि मैंने आरपिन से सिला है इसे। देखो इसी तरीके से उल्टी तरफ से डबल पट्टी रखनी है, फिर हम इसे सीधी तरफ मोड़ेंगे ऐसे। देखिए इस तरीके से, तो ऐसे अपनी पट्टी को बना के हम तैयार कर लेते हैं। चारों तरफ ऐसे ही सिलाई करनी है, ऐसे ही पट्टी रखनी है। तो पहले इस पे रख लेते हैं और सिलाई भी कर लेते हैं। तो देखिए मैंने चारों तरफ ये किनारी रख ली है और ये मेरा डोरमैट सिल के बन के सभी तरह से तैयार है। इसे बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, सिर्फ मैंने डिब्बों की सिलाई की है, डबल सिलाई की है मैंने। और देखिए कितनी आसानी से ये डोरमैट मार्केट जैसा बनके तैयार है।